उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बन गई अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी है और वो इसको निभा भी रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री एक बार अपनी नज़र फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर भी डाल दें, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो व्यवस्थाओं को लेकर खुद बीमार है। हम बात उन बीमार मरीजों की कर रहे हैं जिन्हें खुद वार्डों में इस 42 डिग्री के तापमान में खुद अपने मरीजों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर से टीवी वार्ड तक ले जाना पड़ रहा है। एक 70 साल की वृद्ध महिला व्हीलचेयर पर अपने बेटे को सिटी स्कैन कराकर इस कड़कड़ाती धूप में लेकर जा रही है, तो वहीं एक भाई अपनी बहन को गोदी में उठाकर हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए ले जा रहा है। अगर मरीजों को ले जाने की बात करें तो सरकारी एम्बुलेंस मरीजों को ले जाने का काम करती है, लेकिन एम्बुलेंस भी इन मरीजों को नहीं ले गई। फिलहाल लापरवाही का एक फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में अंबार है। जब हमने इस बारे में स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बोलने के लिए मना कर दिया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? परवेश। परवेश क्या हो गया इनको? इनको टीवी की शिकायत है। अच्छा, पैरों में दिक्कत है। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं आप? अभी हम डॉक्टर हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो क्या आपके पास गाड़ी फाड़ी नहीं आने दी इधर से? क्या कह दी? मना कर दीजिएगा कि अपनी गाड़ी से लेकर जाओ। नहीं तो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, पैदल ही ले जा रहे हैं इतनी धूप में, कोई साधन नहीं। किसने मना कर दी थी? डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर ने? टीवी वाले। क्या कह दी? गई अपनी गाड़ी से लेकर जाओ क्या पैदल ले जाओ। अच्छा, लेते कहाँ आप? कौन से गए? ये कौन है आपका? नरका है भैया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी, कहाँ आई थी आप? बनावाई में गए। अच्छा, तो ये खुद मरीज है और खुद रिक्शे को इसको व्हील चेयर को खींच रहा था, कोई है नहीं है? कोई कोई कर्मचारी नहीं है? कोई ना ले जाता है। कोई कर्मचारी नहीं है? सब खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ के सरकारी डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि हम मरीजों को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या ये सही है? आप खुद ये स्टेशन ले जा रही हो मरीज को? कहाँ से आई हैं आप? कब से भर्ती है ये? 5 दिन आए गए। अच्छा, ये खुद ही खींच के ले जा रही हो इसको? जाएंगे कहीं, हम ले जाएंगे।